ठीक है। तो भाई कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है ना, तो देखो एक सिंपल सा कैपेसिटर ले लेते हैं, बैटरी लगा देते हैं। मान लो बैटरी का पोटेंशियल पी वी है ना, और इसका कैपेसिटेंस सी है। तो क्या होगा, जैसे ही तुमने कनेक्ट करा, मान लो टी इक्वल टू जीरो पे तुमने स्विच को कनेक्ट करा, तो चार्ज फ्लो करना स्टार्ट होगा। फाइनली कितना चार्ज आ जाता है इस पे, क्यू इक्वल टू सी वी। पर उसको चार्ज को आने में टाइम तो लगता है, ऐसा थोड़ी ना कि तुरंत तुमने कनेक्ट करा आ गया, चाहे वो माइक्रो सेकंड लगे नैनो सेकंड लगे, वो टाइम तो लगता है ना। तो ठीक है, मान लो किसी टाइम पे इस पे चार्ज आया है क्यू और इस पे आ गया माइनस क्यू, है ना। बैटरी अगर इधर से क्यू देगी तो इधर से माइनस क्यू देगी, है ना। बैटरी हमेशा नेट चार्ज जीरो देती है, ठीक है। तो मान लो किसी टाइम पे इतना था, है ना, और ये धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ, मान लो यहाँ से डी क्यू चार्ज निकला, ऐसे फ्लो करो इधर पे चला गया डी क्यू, अगर इधर से डी क्यू निकला तो इस पे कितना आ जाएगा, माइनस डी क्यू, और वो डी क्यू ऐसे घूम के इधर चला गया तो इस पे कितना आ गया, क्यू प्लस डी क्यू। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो एक तरह से सोचो, जब इस पे क्यू चार्ज था तो देखो पॉजिटिव वाली का पोटेंशियल ज्यादा होता है नेगेटिव वाली से, है ना। तो इसका पोटेंशियल कितना ज्यादा था, इससे ये बताओ। पोटेंशियल क्या होता है, क्यू बाई सी। पोटेंशियल क्या होता है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, क्यू बाय सी। तो इस वाले का पोटेंशियल, अगर इस वाले का पोटेंशियल में 0 वोल्ट मान लो, तो इस वाले का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्यू बाई सी, है ना, ठीक है। अब डी क्यू चार्ज अल्टीमेटली क्या हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को तो सिर्फ पोजीशन से मतलब है ना। अल्टीमेटली डी क्यू यहां से निकला और यहां चला गया ना, गया इस रास्ते से, पर यहां से निकल के यहां गया ना। इसका पोटेंशियल 0 था, इसका पोटेंशियल क्यू बाई सी है। तो जो डी क्यू चार्ज गया उसका पोटेंशियल कितना बढ़ गया, वी बढ़ा ना उसका पोटेंशियल। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट कितना हुआ, डी क्यू चार्ज था और पोटेंशियल कितना बढ़ा, डेल वी, वी माइनस जीरो। ये तो बड़ा है, जब यहां से यहां गया भाई तो पोटेंशियल इतना बढ़ा। तो डी यू लिख दो ना अपन, क्योंकि वहां पर डी लिख रहे हैं ना। तो कितनी एनर्जी बढ़ी भाई, कैपेसिटर की एनर्जी कितनी बढ़ी, डी क्यू इंटू वी, और वी कितना है तुम्हारा, क्यू बाय सी। इंटीग्रेट कर दो बस, तो डी यू इक्वल टू लिख दो क्यू बाय सी इंटू डी क्यू, इंटीग्रेट कर दो, खत्म आ जाएगा। तो इनिशियली कितना चार्ज था, जीरो। जब जीरो चार्ज था तब एनर्जी भी जीरो थी। फाइनली कितना आएगा चार्ज, सी वी। फाइनल चार्ज कितना होता है, सी वी होता है ना, एनर्जी होगी। तो डी यू का इंटीग्रेशन यू माइनस जीरो इक्वल टू क्या आ गया, वन बाई सी तो कॉन्स्टेंट है, क्यू स्क्वायर बाय टू, और लिमिट जीरो से सी वी तक। तो देखो यू कितना आ गया, तुम्हारे एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर आ गई, वन बाई सी सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय टू। तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी आ गई, हाफ सी वी स्क्वायर, लिख लो भाई। या फिर इसको कैसे लिख सकते हो, वी को और क्या लिख सकते हो, वी को लिख दो क्यू बाई सी, तो क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आएगा, एक सी कट जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, इसमें कोई दिक्कत है क्या। या फिर और कैसे लिख सकते हो, ये लिख दो सी सी वी, है ना ये, अच्छा सी वी इंटू वी लिख दो इसे, सी वी इंटू वी, और सी वी को क्यू लिख दो, तो क्यू वी बाय टू। याद रखना ये सारी होती है ना, सब एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल कर लोगे, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो कैपेसिटर में इतनी एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। लोगो वर्क डन बाय बैटरी, ये तो कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई पता चल गया, पर बैटरी ने कितना वर्क करा इस पूरे में वो भी तो पता कर लें। तो देखो वर्क डन बाई बैटरी।